आज आपको एक ऐसी खबर बताता हूं, अगर ये खबर विपक्ष के खेमे से आई होती तो हंगामा मच रहा होता, सड़कों पर तांडव हो रहा होता, जगह जगह पर पुतले फूके जा रहे होते। लेकिन यह खबर सत्ता पक्ष की तरफ से आई, बीजेपी की तरफ से आई, बीजेपी के मुख्यमंत्री ने कहा, और इसीलिए सब सन्नाटे में है। यह चेहरा आप देख रहे हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा, इन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो मुझे नहीं लगता कि किसी मुख्यमंत्री ने कहा होगा, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा है। क्या कह दिया इन साहब ने? इन साहब ने कह दिया कि सेना सभी समस्याओं को हल नहीं कर सकती है, सेना मणिपुर के अंदर कुछ नहीं कर सकती है, सेना सभी समस्याओं को हल नहीं कर सकती है। यह बयान आया है हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से। अगर यही बयान अशोक गहलोत कल को दे दें, ममता बनर्जी दे दें, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल कोई अगर दे दे, राहुल गांधी दे दें, तो देखिए कैसा तांडव मचेगा। लेकिन अब यहां पर बिल्कुल सन्नाटा है। और ये वो मुख्यमंत्री हैं जिनको राष्ट्रवाद के, देशभक्त के, हिंदुत्व के, आजकल योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि इनके आगे फीके पड़ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से ज्यादा इनका जलवा है। और ये बयान इनका सेना के बारे में, हमारी सेना के बारे में कहा जा रहा है कि सेना सारी समस्याओं को हल नहीं कर सकती है, सेना वहां पर उतरती है जहां पर सब फेल हो जाते हैं, वहां सेना को उतारा जाता है। लेकिन ये इन साहब ने यह बयान दिया और अभी तक सन्नाटा इनके बयान पर। पूरा बयान मैं आपको सुनाऊंगा, इन्होंने जो पूरी बात कही है वो पूरा बयान मैं आपको सुनाऊंगा, और सुनिएगा और तय करिए कि यह बयान कितना सही है। कांग्रेस इसको लेकर के जबरदस्त हमलावर है, कांग्रेस हमलावर है, और कांग्रेस कह रही है कि नरेंद्र मोदी के चहेते हेमंता बिस्वा शर्मा ने भारतीय सेना का अपमान किया है। हेमंता शर्मा ने कहा कि आर्मी कुछ नहीं कर सकती है। यह पहली बार नहीं है जब बीजेपी के नेताओं ने सेना के शौर्य पर, पराक्रम पर सवाल उठाए हैं। खुद नरेंद्र मोदी जी सेना को कमजोर बता चुके हैं, देशद्रोह इनके खून में है, यह जो है वो कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है। और इसमें नरेंद्र मोदी जी का यह ट्वीट 15 सितंबर 2013 का ट्वीट, जिस ट्वीट के अंदर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, वी आर फेसिंग मैनी ए क्राइसिस, इज ऑल दिस हैपनिंग ड्यू टू वीकनेस ऑफ आवर आर्मी। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और क्या इस सब की वजह जो है हमारी आर्मी का कमजोर होना है। यह 15 सितंबर 2013 का ट्वीट था, और आज जो है वो इन्हीं के चेते मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। और दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस ने कि ट्वीट किया है, कांग्रेस ने लिखा देशभक्त और देशद्रोही। राहुल गांधी का एक जो है वो क्लिप लगाया है, और राहुल गांधी दो दिन पहले जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें सेना को लेकर के राहुल गांधी ने जोर देकर के कहा, यह हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान है, यह भी सुनिएगा आप, सेना को लेकर के राहुल गांधी जोर देकर के कहते हैं कि हमारी सेना को अगर उतारा जाए तो सेना दो दिन के अंदर मणिपुर में शांति स्थापित कर सकती है। लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि वहां पर शांति स्थापित हो, यह राहुल गांधी ने दो दिन पहले कहा। अब ये मुख्यमंत्री ठहरे, राहुल गांधी जो कहें तो उसके अगेंस्ट में कुछ बोलने वाले, जैसे स्मृति ईरानी, ये मुख्यमंत्री कुछ लोग हैं बीजेपी के अंदर, तो इन्होंने जो है राहुल गांधी के उस बयान पर बोलते बोलते, उसके राहुल गांधी की जो है वो मुखालफत करते करते कहां तक ये साहब पहुंच गए, जरा सुनिए, फिर इसके बाद में पूरा बयान सुनाता हूं इनका क्या था। पहले ये बयान पूरा सुनिए। जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको दो दिन में रोक सकती है। आर्मी विल नॉट एबल टू सॉल्व एनीथिंग। आर्मी समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। एनीथिंग मतलब कुछ नहीं कर सकती है। मणिपुर को लेकर के साहब कह रहे हैं, पूरा बयान भी सुना दूंगा मैं, लेकिन यह लाइन
आप बताइए, आप इस लाइन को जस्टिफाई कर सकते हैं? आप इस लाइन का बचाव कर सकते हैं, इस बयान का बचाव कर सकते हैं? और बस पलट करके कह दीजिए कि राहुल गांधी ने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही होती तो साहब क्या कोहराम मचता, बहुत भयंकर कोहराम मचता। क्योंकि राहुल गांधी की तो एक फ्लाइंग किस के ऊपर, और वो भी दी कि नहीं दी वो भी स्पष्ट नहीं है, उसके ऊपर जो है वो हंगामा है, उसके ऊपर उछल उछल करके जो है वो प्राइम टाइम शो किए जा रहे, डिबेट की जा रही है। अगर राहुल गांधी ने सेना को लेकर के जो कहा कि दो दिन के अंदर सेना सब कुछ ठीक कर सकती है, अगर राहुल गांधी इसकी जगह पर कह सकते कि आर्मी विल नॉट सोल एनीथिंग, विल नॉट बी एबल टू सोल एनीथिंग, अगर ये राहुल गांधी कह देते तो सोचिए क्या उफान होता, क्या बवाल होता, क्या हंगामा होता। लेकिन नहीं, अब जरा एक बार फिर सुन लीजिए, फिर पूरा बयान दोबारा सुनाता हूं। जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको दो दिन में रोक सकती है। आर्मी विल नॉट एबल टू सॉल्व एनीथिंग, तो ये कह रहे हैं साहब आर्मी विल नॉट एबल टू सॉल्व एनीथिंग। पूरा बयान सुनिए, मणिपुर में सेना उतारने के राहुल गांधी के बयान पर हेमंता शर्मा का पलटवार, और क्या क्या पलटवार करते हुए इन्होंने शुक्रवार को कहा कि भारतीय सेना मणिपुर में कुछ हल नहीं कर पाएगी। ये लाइन बहुत बड़ी लाइन है, भारतीय सेना मणिपुर में कुछ हल नहीं कर पाएगी, जो लाइन मैंने अभी आपको बताई है। सेना सभी समस्याओं को हल नहीं कर सकती है, राहुल गांधी पर हेमंता शर्मा का पलटवार। इसको कायदे से विवादित बयान तो कहना चाहिए था, लेकिन विवादित बयान कहने की भी आज हिम्मत नहीं बची है। एनडीटीवी भी विवादित बयान तक नहीं लिख पाया है। आर्मी समस्या का हल नहीं कर सकती है, इस बयान को आप कैसे हजम कर जाएंगे, कैसे पचा जाएंगे, मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मणिपुर में कुछ नहीं कर पाएगी आर्मी, कुछ समस्या का हल नहीं कर पाएगी, और 100 दिनों से अधिक समय से जारी हिंसा का समाधान दिल से आना चाहिए, गोलियों से नहीं आना चाहिए। ये इनका पूरा बयान है। अब दिल से आएगा कैसे, दिल से आएगा क्या दिल्ली में बैठ करके? दिल से तो तब आएगा जब दिल से दिल मिलेंगे, जाकर के वहां पर लोगों के हाथ पकड़े जाएंगे, लोगों के आंसू पूछे जाएंगे, और लोगों से कहा जाएगा कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तब दिल से हल निकलेगा। दिल्ली में बैठ करके दिल से हल नहीं निकलने वाला है। दिल्ली में बैठ करके मणिपुर के लोगों का अगर दिल ठीक होता तो 100 दिनों में हो जाता। और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को भाजपा के सांसद, कल मैंने आपको खबर बताई, भाजपा के सांसद वो कह रहे हैं, और भाजपा के मणिपुर के सहयोगी सांसद, उनका नाम भी मैंने आपको बताया, उनका नाम जो है वो लोजप्पा कुछ इस तरह से नाम है उनका, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी गए तो राहुल गांधी ने अच्छा किया वहां जा करके, और राहुल गांधी के वहां पर जाने से लोगों को एक जो है वो टच मिला है, एक हीलिंग टच मिला है लोगों को। ये मणिपुर के MNF पार्टी के जो सहयोगी पार्टी बीजेपी, उनके सांसद ने इस बात को कहा है। सोचिए आप किस तरह से कहेंगे। आगे कह रहे हैं, मुख्यमंत्री शर्मा से पूछा गया कि क्या कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सुझाव दिया है कि सेना संघर्षग्रस्त पूर्वोत्तर राज्यों में दो दिनों में संघर्ष रोक सकती है, क्या सेना को नागरिकों पर गोली चलाने की सलाह दे रहे हैं? ये जो है वो राहुल गांधी पर पलटवार कर रहे हैं। अब बताइए, कहीं पर अगर दंगा फसाद कुछ हो जाता है, दिल्ली में हो जाए, कहीं और हो जाए, बिहार में, यूपी में, कहीं पर भी कुछ हो जाए, और वहां पर स्टेट पुलिस अगर नहीं संभाल पाती है, उसके बाद में पैरामिलिट्री फोर्स भी नहीं संभाल पाती है, तो किसको उतारा जाएगा? और क्या कश्मीर के अंदर जो हमारी आर्मी लगी हुई है तो वो स्थिति को कंट्रोल करने में लगी हुई है, सबको गोली मारने में लगी हुई है? हालात बद से बदतर हो जाए तो वहां पर आर्मी आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमारा एक भी आदमी देश का, मुझे नहीं लगता है कि इस बयान से सहमत हो सकता है कि आर्मी हल नहीं कर सकती है। आर्मी हल कर सकती है, मुझे तो व्यक्तिगत तौर पर यह लगता है। अब आपको क्या लगता है आप खुद बता दीजिए, बाकी इन्होंने तो अपना बता ही दिया। आगे देखिए,
हेमंता बिस्वा शर्मा जो है उनके एक कारनामे नहीं है। इन्होंने 11 तारीख को, अभी दो चार रोज पहले 11 तारीख को ये क्या कहते हैं, मुझे मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, बीजेपी उनके इलाके में प्रचार नहीं करेगी। हेमंता शर्मा का ये बयान देखिए आप, डेमोक्रेसी में कितने यकीन करते हैं ये साहब। और वो बीजेपी का तो नारा छोड़ ही दीजिए, उसकी क्या बात करें, सबका साथ सबका विकास, फला 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 फला, खुले तौर पर कह रहे हैं मुझे मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, बीजेपी उनके इलाके में प्रचार नहीं करेगी। देखिए साहब, अब योगी आदित्यनाथ को पछाड़ने के लिए यह बयान दिया है या नरेंद्र मोदी साहब से आगे निकलने के लिए बयान दिया है, इस बात को तो सोचा जाना चाहिए कि इस बयान से किसका फायदा और किसका नुकसान हो रहा है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दूसरा एक और मैं आपको दिखाता हूं, 9 अगस्त का इनका एक बयान देखिए, 9 अगस्त और पांच रोज पहले का, 9 अगस्त को ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह रातों को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, उन्होंने मुझे सुबह 3 बजे फोन कर मणिपुर पर चर्चा की। सुबह 3 बजे, रात को सो नहीं पा रहे मोदी अमित शाह साहब। मणिपुर में आज जो हालात है उसके पीछे कांग्रेस की कारस्तानियां हैं, असम के सीएम का बयान साहब, गजब की बात हो रही है। मतलब कि ऐसी बात कही जा रही जिसका कहीं पर कोई व्यक्ति यकीन करना भी चाहे तो उसको लगता कि मैं कैसे यकीन करूं। 3 बजे जो है वो अमित शाह साहब उठ कर करिए इनको फोन कर रहे हैं, यह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं क्या, इन्हीं को फिर मुख्यमंत्री का चार्ज वार्ज दे दे, वहां पर जो है सब कुछ कह दे, कम से कम जो है वो स्थिति को कंट्रोल करने के लिए लगा दे, असम से वैसे भी दूरी नहीं है। तो ये बातें हो रही है। अब इसको लेकर के जो है वो कांग्रेस हमलावर है और कांग्रेस के दो प्रवक्ताओं ने इस पर अपनी वीडियो जारी की, वो आपको सुनाऊंगा मैं। सुप्रिया सिन्हा कहती है कि एक देशभक्त कहता है कि भारतीय सेना 2 दिन में मणिपुर में शांति बहाल कर सकती है, राहुल गांधी का जिक्र कर रही है। देशद्रोही कहता है कि आर्मी से कुछ नहीं होगा, वो सेना को हिंसक बुलाता है, ये हेमंता बिस्वा शर्मा का जिक्र कर रही है। भारतीय सेना को देख करके दुश्मन के होश उड़ जाते हैं और उसी सेना को देख करके देशवासियों में शांति की उम्मीद जग जाती है। इंडियन आर्मी एक न्यायप्रिय अनुशासित सेना है, भारतीय नेताओं ने हमारे योद्धाओं का तिरंगे में लिपट करके आने वाले हर शहीद का अपमान किया है, माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो हमारी सेना से, यह सुप्रिया सिन्हा ने कहा है। इसके बाद पवन खेड़ा कहते हैं कि पिछले 2 दिनों से लगातार भाजपा के नेता भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं, क्या भाजपा की नजर में हमारी सेना एक हिंसक सेना है जो सिविलियंस को मारती है, क्या भाजपा को नहीं मालूम कि 1956 से लेकर के अब तक 49 अवसरों पर भारतीय सेना ने विश्व के अनेक देशों में शांति स्थापित की है, दंगों में सेना के फ्लैग मार्च भर से शांति स्थापित हो जाती है, क्या भाजपा को भारतीय सेना की इस काबिलियत पर शक है, कोई शक है, आप हमारा विरोध कीजिए लेकिन भारत को नीचा मत दिखाइए, भारतीय सेना को नीचा मत दिखाइए, ये पवन खेड़ा ने कहा है। और इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे वो श्रीलंका हो चाहे वो और दूसरे तमाम देश हो जहां पर हिंसा हुई है तो वहां पर शांति स्थापित करने के लिए हमने हमारी सेना भेजी है, हमारे जो काबिल बहादुर जो जवान हैं वो अपनी जान खतरे में डाल करके इस मुल्क में तो क्या दूसरे मुल्कों में जाकर के शांति स्थापित कर देते हैं, ये हमारी गौरवशाली सेना का गौरवशाली इतिहास है, ऐसे ही नहीं। और यहां पर जो है हेमंता बिस्वा शर्मा जो कह रहे हैं वो आपके सामने है। अब आप एक एक करके पहले आप जो है वो सुप्रिया सिन्हा को सुनिए और उसके बाद में पवन खेड़ा को सुनिए, कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के जबरदस्त तरीके से हमलावर है। सुनिए आप सुप्रिया सिन्हा को और फिर उसके बाद में पवन खेड़ा को। देशद्रोही और देशभक्त होने में जमीन आसमान का अंतर है, रात दिन का अंतर है, विचारधाराओं का अंतर है, दृष्टिकोण का अंतर है, सोच का अंतर है। एक देशभक्त कहता है 2 दिन, मात्र 2 दिन में इंडियन आर्मी शांति बहाल कर सकती है मणिपुर में, और देशद्रोही कहते हैं कि आर्मी से कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी नफरत के उस दलदल में इतनी डूब चुकी है, उस कीचड़ से इतना सन चुकी है कि अब वो हमारी खिलाफत करने के लिए पहले देश को अपशब्द कह रहे थे, अब भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठा रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा आर्मी से कुछ नहीं होगा,
जिस आर्मी की आप बात कर रहे हैं ना हेमंत बिस्व शर्मा, उसके शौर्य और पराक्रम, उसके साहस, उसकी बहादुरी की वजह से हम और आप अपने घरों में शांति से सो पाते हैं। वो सरहद पे हमारी रक्षा करते हैं तो हम बड़ी बड़ी बातें कर पाते हैं। ये वो आर्मी है जब मन बना लेती है और नेतृत्व सही मिल जाता है तो पाकिस्तान के काट के दो टुकड़े कर देती है, विश्व का भूगोल बदल देती है। ये वो आर्मी है जो सिर्फ देश में ही नहीं विदेश के कितने सारे शांति की पहल वाले मिशन में कारगर भूमिका निभाती है। ये वो आर्मी है कि जब सब कुछ करके लोग थक हार जाते हैं तो आर्मी आती है और चीजें ठीक हो जाती हैं। जब दैवीय आपदा आती है, जब बाढ़ आती है, भूस्खलन होता है, जब भूकंप आता है, सुनामी आता है, तो अंततोगत्वा इंडियन आर्मी आती है और लोगों को संकट से उबारती है। और इंडियन आर्मी को देखकर बड़े बड़ों के होश फाख्ता हो जाते हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ आंख उठाकर देखने की हैसियत करते हैं। और आर्मी को ही देखकर इस देश के लोगों में यह विश्वास जगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपको लगता है इंडियन आर्मी एक हिंसक फोर्स है? इंडियन आर्मी की न्यायप्रियता, इंडियन आर्मी का जो कद है वो दुनिया में सबसे ऊंचा है। इंडियन आर्मी से कुछ नहीं होगा ये कहने की आपकी हैसियत कहां से हुई? आपकी हिम्मत कहां से हुई? ये उन सब लोगों का अपमान है जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की बलि दे दी इस देश की सुरक्षा के लिए। ये उन माओं के कोख का, उनके दूध का अपमान है जिन्होंने अपने जावाज बेटों को खो दिया इस देश की रक्षा करते हुए। ये उन बूढ़ी आंखों से बहते हुए आंसुओं का अपमान है जिनके बेटे तिरंगे में लिपट कर घर लौटते हैं। आपकी हिम्मत हुई इंडियन आर्मी को कुछ नहीं हो सकता कहने की? कुछ नहीं कर सकती इंडियन आर्मी? राहुल जी ने ठीक कहा है, इंडियन आर्मी ही शांति बहाल कर सकती है और अगर मोदी जी चाहें तो दो दिन के अंदर कर सकती है। इंडियन आर्मी कोई हिंसक इंडिसिप्लिन्ड फोर्स नहीं है। इंडियन आर्मी की मौजूदगी से चीजें सुधर जाती हैं क्योंकि सबको पता है कि न्यायप्रियता में इंडियन आर्मी सबसे आगे है, सबको पता है शौर्य में इंडियन आर्मी सबसे आगे, और सबको पता है अगर जरूरत पड़ी तो बल प्रयोग में इंडियन आर्मी न्यायोचित फैसला लेती है। आप आर्मी पर सवाल उठाएंगे, उस यूनिफॉर्म पर सवाल उठाएंगे जिसको देखकर छोटा बच्चा एक सड़क पे और बुजुर्ग रुककर सलाम ठोकते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। पर यह नया नहीं है भाजपा में और हेमंत बिस्व शर्मा कोई पहले नहीं है। मोदी जी के चहेते बड़े हों लेकिन यह पहल तो मोदी जी ने खुद 2013 में आर्मी को कमजोर बताकर करी। ये देशद्रोही है, ये देशद्रोह है। अगर आप देश प्रेमी होंगे तो आप अपनी सेना पर कभी सवाल नहीं उठाएंगे। सेना पर सवाल उठाने वाले, सेना के लिए यह कहने वाले कि उनसे कुछ नहीं होगा, देशद्रोही होते हैं। आप भारत माता की ना तो रक्षा कर सकते हैं ना उनके हितैषी हैं। आप भारत माता को समझते नहीं है क्योंकि आप भारतीय सेना का अपमान करते हैं। पिछले दो दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी भारतीय सेना का अपमान करने में बिल्कुल नहीं चूक रही है। अरे आपको राहुल गांधी की खिलाफत करनी है, आपको कांग्रेस की खिलाफत करनी है, करिए। भारतीय सेना का अपमान करने का हक आपको किसने दे दिया? मुझे याद आ रहा है 2018 में मोहन भागवत जी का भी एक टिप्पणी आई थी कि भारतीय सेना को जहां 6-7 महीने लगते हैं तैयारी करने की, हम 2-3 दिन में तैयार कर सकते हैं। इस तरह की टिप्पणियां तो कोई पहली बात नहीं आ रही है, लेकिन आज रविशंकर प्रसाद, हेमंत बिस्व शर्मा, इन तमाम नेताओं की जो टिप्पणियां आ रही हैं, राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि भारतीय सेना में वो क्षमता है कि वो शांति स्थापित कर सकती है मणिपुर में। क्या गलत कहा? क्या भारतीय सेना में वो क्षमता नहीं है? आपने कब सुना है कि कहीं दंगे हो रहे हो वहां भारतीय सेना सिविलियंस को मारती है? हमने तो नहीं सुना। भारतीय सेना का एक फ्लैग मार्च काफी होता है शांति स्थापित करने को। क्या उस क्षमता पर आपको कोई संशय है, कोई शक है, कोई डाउट है? 1956 से लेकर अब तक 49 अलग अलग देशों में भारतीय सेना ने शांति स्थापित की है। पूरे विश्व को भरोसा है भारतीय सेना की इस क्षमता पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भरोसा नहीं है। क्यों?
क्यों है आप इतने खिलाफ भारतीय सेना के? आपको क्या लगता है भारतीय सेना जाकर सिविलियंस को मारेगी मणिपुर में? आज अभी जब हम बात कर रहे हैं मणिपुर की महिलाओं के, वो वीडियो आपको दिमाग में आ रहे होंगे जहां वो आसाम राइफल्स जो कि भारतीय सेना के उसमें कई सदस्य हैं उनके आगे हाथ जोड़कर गुहार लगा रही थी कि आप मत जाइए यहीं रहिए। ये भरोसा है लोगों को भारतीय सेना पर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि देश में जो सत्तारूढ़ दल है, जो रूलिंग पार्टी है, उसको इंडियन आर्मी पर भरोसा नहीं है। इंडियन आर्मी का वो अपमान करती है। संसद में खड़े होकर स्वयं प्रधानमंत्री ने सैम बहादुर मानेकशॉ और इंदिरा जी का जिस ढंग से अपमान किया परसों मिजोरम को लेकर, अरे क्या गलत किया? कराची में बैठकर, चीन में बैठकर जो षड्यंत्र रच रहे थे मिजोरम में अशांति फैलाने का, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? आप क्या कहना चाहते? कल को तो आप, क्योंकि आप हमारे इतने खिलाफ हैं, कहेंगे बांग्लादेश को आजाद कराकर गलत कर दिया, भारतीय सेना का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप क्या, कहां, किस स्तर तक जाकर गिरेंगे हमारे विरोध में? हमारा विरोध कीजिए, करिए, देश का विरोध मत करिए, देश की सेना का विरोध मत करिए, बर्दाश्त नहीं होगा।